press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे शनि महाराज 2020 में आप लोगों को करोड़पति बनाएंगे कि लखपति। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। इस वीडियो में हम आपको शनि की साढ़े साती व ढैया के बारे में समझाएंगे, शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के बारे में उपाय बताएंगे जिसमें रत्न यानी कि मणि चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, व्रत उपवास और दान के बारे में हम आपको बताएंगे और कुछ ऐसे विविध उपाय भी आपको बताएंगे जिससे आप शनि की पीड़ा कम कर सकते हैं। ब्रह्मांड में शनि को सबसे रहस्यमय व चर्चित ग्रह माना गया है। नीलवर्ण के शनि देव भगवान सूर्य तथा छाया के पुत्र हैं। बृहस्पति के बाद शनि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है। ज्योतिष में इन्हें न्याय का देवता कहा गया है। ये व्यक्ति को उसके किए हुए का दंड देते हैं। अनुकूल दशा अंतर दशा में व्यक्ति ने जो दुराचार अनाचार पापाचार या कोई गलत काम कर रखा है तो उस व्यक्ति को उसका परिणाम शनि की महादशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा शनि की साढ़े साती व ढैया में मिल जाती है। तो मित्रों अब बात करते हैं सन 2020 में कुंभ राशि पे शनि के प्रभाव के बारे में। कुंभ राशि के जातकों पर इस वर्ष शनि की साढ़े साती का प्रभाव रहेगा। शनि का 12वें स्थान में परिभ्रमण मानसिक तनाव की स्थिति को रखेगा, खर्चा भी अधिक रहेगा। इस साल के लिए मैं आपको कहूँगा कि आपको अपने खर्चों में कटौती करनी चाहिए, फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें, अन्यथा उधार लेने की नौबत आ सकती है। स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, अपनी दिनचर्या खान पान आदि को व्यवस्थित व नियंत्रित रखें। संपर्कों का दायरा बढ़ेगा परंतु संपर्क कोई खास काम नहीं आएंगे। आमदनी व कामकाज के विस्तार के लिए आप खूब प्रयास व परिश्रम करेंगे लेकिन नतीजा व परिणाम शून्य ही रहेगा। भाइयों से संपत्ति व बंटवारे संबंधी विवाद उलझेगा। कोर्ट कचहरी संबंधी विवाद में लंबित प्रकरण चलेंगे। नौकरी में काम अधिक व उसकी एवज में प्रतिफल कम वाली स्थिति रहेगी। सामाजिक व लोक कल्याण के कार्यों से कुछ दूरी बनाकर रखें, अन्यथा अपयश या बदनामी मिल सकती है। आप किसी संकटग्रस्त मित्र की मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे। तमाम व्यस्तता और परेशानी के बीच आप अपने स्वयं के लिए भी समय निकाल ही लेंगे। फंसे हुए पैसे को निकलवाने के लिए कुछ मशक्कत करनी पड़ सकती है। भूमि भवन भूखंड आदि में निवेश करने से पूर्व दस्तावेज को अच्छे से जांच परख लें। आप अपनी क्षमताओं कुशलताओं का भरपूर इस्तेमाल करेंगे परंतु उसका लाभ उतना दिखाई नहीं देगा। शनि की साढ़े साती के निराकरण के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए जो हम आपको आगे बता रहे हैं। तो मित्रों अब हम आपको समझाते हैं कि शनि की साढ़े साती व ढैया होती क्या है। किसी भी व्यक्ति की राशि से शनि जब 12वें या उसकी स्वयं की राशि में या राशि से दूसरे स्थान में गोचरवश परिभ्रमण करते हैं तो शनि की साढ़े साती कहलाती है। यह जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है साढ़े सात वर्ष चलती है। इसमें व्यक्ति को भयंकर दुख उठाना पड़ता है। शनि की गोचरवश स्थिति आपकी राशि से चौथे व आठवें भाव में होने से शनि की ढैया कहलाती है। साढ़े साती का प्रभाव साढ़े सात वर्ष तक व ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष तक रहता है। शनि प्रत्येक राशि में ढाई वर्ष रहता है, अतः तीनों राशियों में साढ़े सात साल तक चलता रहेगा। शनि 12वें स्थान में हो तो ढाई वर्ष तक उसकी दृष्टि कहलाती है। तो मित्रों अब हम आपको बताते हैं कि शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के कुछ उपाय। शनि की साढ़े साती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए दान पूजन व्रत मंत्र रत्न धारण आदि उपाय शास्त्रों में वर्णित हैं। शास्त्र कहते हैं औषधि मणि मंत्राणाम ग्रह नक्षत्र तारिका भाग्य भवेत सिद्धि अभाग्यम निष्फल भवेत। सबसे पहले औषध उसके बाद मणि और तत्पश्चात मंत्र चिकित्सा का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। तो मित्रों सबसे पहले हम आपको बताते हैं रत्न यानी कि मणि चिकित्सा के बारे में। तो इसमें सबसे पहला उपाय है कि आप 5.25 रत्ती का नीलम या नीलम का उपरत्न नीली त्रिलोह यानी कि सोना चांदी और तांबे की अंगूठी में अभिमंत्रित करवा के पहन ले। दूसरा उपाय है
शनि यंत्र के साथ नीलम या फिरोजा रत्न गले में लॉकेट के माध्यम से, जिसे हम पेंडेंट कहते हैं इंग्लिश में, उसकी आकृति में पहन सकते हैं। यह भी एक उत्तम उपाय है। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं मंत्र चिकित्सा के बारे में। किसी भी विद्वान ब्राह्मण द्वारा या स्वयं शनि के तंत्रोक्त वैदिक या पौराणिक मंत्रों के 23,000 जाप करें या कराएं। शनि का तंत्रोक्त मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं व्रत और उपवास के बारे में। शनिवार का व्रत रखें। इस दिन एक समय सायकाल में ही भोजन करें। मित्रों, अब हम आपको दान के बारे में बताते हैं। शनि संबंधी उपचार करने के बाद उपवास खोलने पर दान अवश्य ही करना चाहिए। दान के अंतर्गत आप कीड़ी, नगरा, सींचे, चींटियों को भोजन कराएं। तीसरा, काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, तेल, चरण पादुका जिसे आज के युग में जूते कहते हैं, काला वस्त्र, मोटा अनाज व लोहे के पात्र का दान करना चाहिए। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं शनि की पीड़ा कम करने के कुछ विविध उपाय। तो पहला उपाय है, शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए 7 प्रकार के अनाज व दालों को मिश्रित करके पक्षियों को दाना दें। दूसरा उपाय है, बैंगनी रंग का सुगंधित रुमाल पास में रखें। तीसरा उपाय, शनि मंदिर में शनि की मूर्ति पर तिल का तेल जरूर चढ़ाएं। चौथा, शनि भगवान के सामने खड़े रहकर दर्शन नहीं करें, किनारे में खड़े रहकर दर्शन करें, जिससे शनि की दृष्टि आप पर ना पड़े। पांचवा, शनि न्याय के देवता हैं, अतः उन्हें हाथ नहीं जोड़ा जाता, दोनों हाथ पीछे करके सर झुकाकर उन्हें नमन करें, जिस प्रकार व्यक्ति न्यायाधीश यानी कि जज के सन्मुख खड़ा होता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ मैंने आपको उचित जानकारी दी होगी। देखते रहिए मोटू लाला, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने और अपने मित्रों का ज्ञान बढ़ाइए। और देखते रहिए मोटू लाला, अपने समस्त ज्योतिषीय सवालों के जवाब आप हमसे मुफ्त में जान सकते हैं हमें हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन करके। तो देखते रहिए मोटू लाला, और अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्ते।